पे हर कोई एट्रीब्यूट करता। सो इनपुट जो है हमारा मीन मैक्स एट्रीब्यूट जो है हमारे वो बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इनपुट फील्ड के लिए देने के लिए काम आते हैं। बट किस केस में चलते हैं वो, अगर इनपुट फील्ड का टाइप हमारा नंबर है या रेंज है या फिर डेट है या फिर डेट टाइम लोकल है, मंथ है, टाइम है, इस तरह की चीजों में काम आते हैं, वो हम लोग टेक्स्ट वगैरह में नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, और अगर आपने अभी देखा था कि मैंने एक सिर्फ मिनिमम लिखा था तो वो काम नहीं कर रहा था सही से, एम आई राइट? मैं आपको फिर से दिखाऊंगा अभी, बट जब मैं दोनों साथ में आप लिखोगे आप लोग साथ में, तब वो लीगल रेंज के हिसाब से काम करेगा। देखते हैं अभी क्या होता है, सच्ची में काम कर रहा है या फिर नहीं। तो मैंने किया 16 एंटर, देखो यहाँ पे हो रहा है, बट अभी अगर मैं इसको स्टार्ट करूं क्या आपसे, देखो मैं एंटर जब करूंगा ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ एंटर, यहाँ पे देखो कितने भी वैल्यूज, बट एक चीज देखो यहाँ पे क्योंकि ये नंबर फील्ड है तो हमको सामने एरो आ रहा है, तो मैं देखो यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 देखो इसके आगे ये नहीं जा पा रहा, ठीक है। अगर मैं एंटर करूँ ना मैनुअली तो देखो इस तरह से, देखो ये क्या बोल रहा है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, देखो यहाँ पे इक्वल टू 5, मतलब क्या हम लोगों ने यहाँ पे इसको रेंज दी है 5, मैक्सिमम 5, तो 5 के बाद वाली वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो चाहे यूजर एंटर कर ले 1,00,000 बट वो एक्सेप्ट कितना करेगा, 1 से लेके 5 के बीच में। तो लाइक मैंने 5 किया तो देखो फॉर्म सबमिट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अभी आया समझ में मीन और मैक्स, हमको बस क्या करना है मिनिमम और मैक्सिमम जो रेंज होगी हमको असाइन करना है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग रेंज एट्रीब्यूट, रेंज टाइप की। एचटीएमएल 5 का एक रेंज टाइप है, उसको मैंने आई थिंक नहीं बताया था आपको, तो मैं वो बताता हूँ। पर उसके पहले हम लोग डेट के बारे में बात करते हैं, एंटर बर्थ डेट, सॉरी एंटर नहीं, सिलेक्ट करते हैं हम लोग, सिलेक्ट DOB, क्योंकि मुझे आपको क्या बताना है मिनिमम और मैक्सिमम किसके रेंज में, डेट टाइम के, इसमें डेट टाइम या फिर डेट बोल लो, सिर्फ डेट, चलो सिर्फ डेट पकड़ लो अभी के लिए, टाइम नहीं कंसिडर करते हम लोग। सो मैं क्या कर रहा हूँ, DOB यहाँ पे लिखता हूँ, DOB यहाँ पे लिखता हूँ DOB, ताकि इम्पोर्टेंट रहे, मेंटेन हो सिंटैक्स। अब देखना मिनिमम में क्या बोलता हूँ, मिनिमम जो डेट होगी ना मैं उसको बोलता हूँ आपको कितनी करना है। सो समझ लो आप मिनिमम क्या कर रहे हैं, 1999 इस तरह से फॉर्मेट दे रहे, 12 और आप 12 दे रहे हैं मिनिमम, देखते क्या हुआ। देखो यहाँ पे देखो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो मिनिमम देखते कहां तक जा रहा है, 1999 तक जा रहा है, तो ओके हम ज्यादा ही पीछे जाना पड़ेगा ना, उससे अच्छा फिर मैं क्या कर लेता हूँ 2021 कर लेता हूँ, 2021 02 02 12। अब देखते इसके पीछे जा रहा है क्या, यहाँ पे देखो हम लोगों ने मिनिमम दिया है ना मिनिमम, सो अभी मैं क्या करता हूँ, हम लोगों ने 12 दिया है तो 81 पे मैंने क्लिक किया, अच्छा मैं सबमिट कर रहा हूँ। ओके सबमिट तो हो गया, 2022 11। ओके ओके हम लोग को साथ में देना पड़ेगा, ओके एक पे देके काम नहीं चलेगा, मिनिमम और मैक्सिमम भी देना है हम लोग साथ में। तो मैंने दिया 15, देखो रेंज दिया मैंने 12 से लेके 15 तक, देखते अभी क्या होता है। ऊपर वाले को हटाते हैं हम लोग यहाँ से, इस तरीके से इसको करते हैं। अब देखना कितने हमको दिख रहा है, देखो डेट मैंने प्रॉपर, मैंने बोला ना आपको जब दोनों देंगे हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम तब जाके काम करेगा, अगर आप सिंगल दोगे तो फिर वो नहीं करेगा इस तरीके से। तो देखो 12 से लेके 15 तक मैंने उसको रेंज दी, तो उतना ही हमको दिख रहा है डेट में, बाकी सब क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है, ठीक है। सो आप इसका यूज कर सकते हैं, सपोज आपको क्या कराना है, आपकी एक वेबसाइट है, आपको टिकट बुकिंग करवाना है, सो आप कितने से कितने तक अवेलेबल करा सकते हैं, या फिर डॉक्टर अपॉइंटमेंट वाली वेबसाइट है तो आप कितने बजे से, मतलब कितने दिनों तक आप रह सकते हैं, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज आप डायनामिकली सेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके, और बाकी काम आप लोग आसानी से कर सकते हैं, जो कि हम लोग देखने वाले फ्यूचर का। चलो समझ में आया ये वाला एट्रीब्यूट। अब हम लोग नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं, मल्टीपल वाला एट्रीब्यूट। बेसिकली देखो आप फाइल अपलोड के बाद, ओके एक चीज रहेगा यहाँ पे, ये डेट वाला मैंने बता दिया आपको, मैं रेंज वाला बताता हूँ, सिलेक्ट नंबर इस तरह से लिखता हूं मैं, टाइप हमको देना है रेंज, रेंज कुछ तो भी ऐसा नाम दे दो, मिनिमम मैक्सिमम आप दे सकते हैं, बट उसके पहले मैं रेंज क्या होता है ना वो दिखाता हूँ बाद में, मिनिमम ये देखो रेंज हमारी, सिलेक्ट नंबर ये देखो यहाँ पे देखो इस तरीके से रेंज। अब इसमें एक एट्रीब्यूट और भी है, स्टेप वाला एट्रीब्यूट है, स्टेप
स्टेप मतलब क्या, ये 0 से लेके 100 तक है, ओके। तो हम लोग को कितने स्टेप में जाना है, 10 10 के स्टेप में जाना है क्या? देखो इस तरह से, यहाँ पे देखो, एक एक दो तीन चार, ऐसे 100 तक, ओके। अब जितने भी स्टेप देंगे उतने स्टेप के अंदर काम करेगा, ओके। मिनिमम मैक्सिमम की बात करते हैं, मिनिमम है हमारा 40 और मैक्सिमम है हमारा 80 70। चलो तो यहाँ पे देखो, इधर भी गया मैंने, सबमिट किया, ओके, सबमिट तो हो रहा है, बट ये देखो कैसे सबमिट हो रहा है। ये यहाँ पे देखो, मैंने आगे लिया, सबमिट किया, यहाँ पे देखो, मैंने जब भी इसको आगे लिया और सबमिट किया, एक मिनट को इसको ऊपर से हटाने दो, ये कहाँ पे रह रहा है, मैक्सिमम इधर रह रहा है, इसको आगे लिया मैंने, सबमिट किया, बट देखो जाते वक्त उसकी मैक्सी वैल्यू जा रही है, ये देखा आप लोगों ने, मैं इसको आगे भी कर रहा हूँ ना, तो 70 जा रही है, ओके। अभी हम लोग पीछे करके देखते हैं उसको, एंड में करके देखते हैं यहाँ पर कितनी वैल्यू, सबमिट किया, देखो मिनिमम 40, तो ये उसी हिसाब से काम करेगा, मिनिमम और मैक्सिमम के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट की, मल्टीपल एट्रीब्यूट, ऐसा नहीं ना किसी के सर के ऊपर से जा रहा, मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे कुछ हो रहा है क्या? होगा एक ही सिचुएशन पे होगा, जब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर मैंने इतना सारा आपको एट्रीब्यूट बता भी दिया ना, अगर आप इसको करोगे नहीं, इसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना, तो भूल जाओगे जल्दी, ये पक्का है। तो उसके लिए हमें एक दो बार करके देखना पड़ेगा, जैसे जैसे ज्यादा बार करोगे आप लोग, वैसे वैसे आपके दिमाग में चीजें रहेगी, याद रहेगी ऑटोमेटिकली, ओके। सो यहाँ पे देखना, अभी आपको फाइल एट्रीब्यूट बनाता हूँ, इनपुट, हम लोग को फाइल अपलोड कराना है। कल हम लोगों ने फाइल अपलोड का देखा था, बट वो सिंगल फाइल का देखा था, राइट। मैं सोच रहा हूँ आधार कार्ड हमको अपलोड कराना है यूजर की तरफ से, ठीक है। देखो इस तरह से फाइल, चूज फाइल का आ रहा है, मैं क्लिक किया, जो भी फाइल रहेंगे मैं ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, ओके। सबमिट करूंगा तो जाएंगी वो उधर पे, और देखो ये 1.php फाइल का नाम जा रहा है, और डेटा जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, सर्वर उसको निकालेगा और उस दिन जो भी ऑपरेशन करना है वो करेगा। बट हमको अगर मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करने, तो क्या करें भाई, तो क्या करें हम लोग फिर, हमको मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करने, या तो एक ही फाइल सिलेक्ट हो रही है एक ही बार में, तो कैसे करें हम लोग फिर? तो उस केस में हम लोग मल्टीपल वाला एट्रीब्यूट यूज करेंगे, मल्टीपल। अगर मैंने मल्टीपल लगा दिया इस तरह से, तो वो मल्टीपल फाइल्स अपलोड करेगा। देखो चूज फाइल्स आ रहा है लिख के, पहले क्या आ रहा था, देखो यहाँ पे चूज फाइल आ रहा है, बट अभी देखो चूज फाइल्स आ रहा है, मैंने क्लिक किया, अब कंट्रोल दबा के मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तीनों मैंने फोल्डर सिलेक्ट किया, ओपन किया, देखो यहाँ पे 3 फाइल्स मैंने सबमिट किया, देखो इस तरह से सबमिट फॉर्म किया, आपके 2 फाइल जा रहे थे, आधार कार्ड 1.png, इस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। रिसेट किया मैंने, खत्म। ये एट्रीब्यूट जो है ना, ये इस तरह से काम करते हैं। अभी ऐसे नहीं कि इतने एट्रीब्यूट है, बहुत सारे एट्रीब्यूट, प्लेस होल्डर मैंने आपको कल बताया था ऑलरेडी, रिक्वायर्ड बताया मैंने, स्टेप बताया, एक होता है ऑटो फोकस, अभी दिखाता हूं आपको मैं ऑटो फोकस क्या है। अभी मैं किसी के ऊपर ऑटो फोकस लगाऊ ना, लाइक देखो मैं करता हूं ओटीपी के ऊपर, मैं ऑटो फोकस लगाता हूं, ऑटो फोकस इस तरह से, देखो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना पेज को, यहाँ पे देखना, मैं पेज को जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो मेरा सब में से एक एट्रीब्यूट खाली, सिर्फ एक वाले को बॉर्डर आ रही है, मतलब ये क्या हो रहा है, फोकस हो रहा है, तो ये होता है ऑटो फोकस, ठीक है। ऑटो फोकस वाला एट्रीब्यूट जो हमें फोकस कराएगा ऑटोमेटिकली जब हमारा पेज लोड होगा तब। हाइट एंड विड्थ वाला होता है, जो बेसिकली हम, मैंने आपको बताया था पहले भी, इमेज के वक्त हाइट एंड विड्थ वाला एट्रीब्यूट, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं इमेज के केस में, याद होगा आपको, दिखाता हूं मैं आपको। चलो लाइक सपोज आपने कंसिडर करो, आपके पास ना इनपुट फील्ड है, इनपुट कोलन इमेज वाला, आई थिंक मैंने आपको बताया था इनपुट इमेज हम लोगों ने कल नहीं दिखा ना, ये रह गया था शायद से। आप यहाँ पे सोर्स भी दे देते, आप हमारे पास इमेज कौन सा है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास जो इमेज है ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी पाथ, एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं हम लोग, एंड देन बस इतना ही, क्योंकि देखो उसको जरूरत नहीं है। आई थिंक ये इसका नाम बराबर नहीं है ना, तो मैं नोटिफिकेशन जो है ना इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, देन यहाँ पे वो कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। हमें क्या कोई भी इमेज तो चाहिए, बस हमें क्या लेना देना है बाकी और भी, .slash वैसे आपको एक चीज मैंने आई थिंक बताया नहीं ना, फेक इमेज मुझे लेना है, फेक इमेज। तो देखो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, फेक इमेज के लिए आपको वेबसाइट बताता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे पिक्सम, हम लोग जो लॉरे में इप्सम यूज करते हैं ना, वैसे पिक्सम नाम की एक साइट है, पिक्सम फोटोज,
वहां पे जाएंगे ना, देखो लोरियम पिक्सम इस पे जाएंगे तो हमें हर रिफ्रेश के वक्त अलग अलग फोटो मिलेगा आपको, जैसे साइज में चाहिए ना वैसे फोटो मिलेगा। देखो यहाँ पे देखो 200x300 वाला मुझे फोटो चाहिए तो वो मुझे मिलेगा, मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे डाल रहा हूँ 200x300 मुझे यहाँ पे फोटो आ जाएगा 200x300 वाला। यहाँ पे अल्टरनेट टेस्ट डालता हूँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे पिक्सम इमेज इस तरह से, ठीक है अलग अलग आएगा, जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अलग अलग इमेज आएगा। अब मैं यहाँ पे हाइट एंड विड्थ यूज कर रहा हूँ, हाइट समझो मैं कर रहा हूँ 300, ओके एंड इसकी विड्थ कर रहा हूँ मैं 200 इस तरह से। अब देखते हैं हमारे पेज में कैसे दिख रहा है, देखो ये इमेज आ गई यहाँ पे, ये इमेज जो है ना हमारी, मैंने किससे लेके आया देखो, ये इमेज इनपुट टाइप इमेज से लाया, मैंने इमेज टैग से नहीं लाया याद रखो, यहाँ पे देखो इमेज टैग से नहीं लाया मैंने इसको, इमेज टाइप से लाया, टाइप इक्वल टू इमेज, ठीक है इस तरह से। अब देखो मैं सबमिट कर रहा हूं इसको, क्या हुआ जैसे ही देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया इमेज बदलेगी, रिफ्रेश किया इमेज बदल जाएगी। तो ये एक तरह की हम लोग नॉर्मली जब डेवलपमेंट करते हैं ना वेबसाइट, तो क्या होता है कि हमारे पास उस वक्त इमेज नहीं होते प्रॉपर साइज के, तो उस वक्त केस में हम लोग ये यूज करते हैं कि हमको डमी इमेजेस कहाँ पे लेके आने हैं, तो उस टाइम में देखो मैंने रिफ्रेश किया इमेज बदलेगी, रिफ्रेश किया इमेज बदल जाएगी, तो वो उतने साइज के लाइक 200x300 अभी आपको चाहिए भाई सिर्फ 200 वाला, देखो तो एक बॉक्स इमेज मिलेगा आपको 200x200, ओके इस तरह से 200x200 वाली आपको चाहिए यहाँ पे 500, तो देखिए इस तरह से 500x500 यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको साइज देना है तो साइज भी दे सकते हैं 500x500 देना इस तरह से दे सकते हैं आप, यहाँ पे 500x100 किया आपने देखो इस तरह से। सो मतलब हमारे ऊपर है वो एक्चुअल में, अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे हाइट एंड विड्थ दिए इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा आपको मैं यहाँ से कितना भी चेंज करूँ तो, ठीक है क्योंकि हम लोगों ने इमेज को हाइट एंड विड्थ दिए तो उस तरह से इमेज हो रहा है इसीलिए इमेज फट रहा है देखो यहाँ पे फट रहा है, ओके चलो ये था हमारा इमेज, ये हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट हुआ हमारा यहाँ पे। एक और बताना है मुझे आपको, बट उसके लिए मैं उसके पहले मैं आपको सिलेक्ट बॉक्स बताता हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ सिलेक्ट बॉक्स, शायद आपको मेन्यू वाला सिलेक्ट बॉक्स होता है ना वैसे बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं हम लोग। सो उसके लिए सिंपल है, देखो हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट एट्रीब्यूट यूज करना है, सिलेक्ट एट्रीब्यूट, ओके सिलेक्ट एट्रीब्यूट में मल्टीपल ऑप्शन देने हैं हमें कि ये सिलेक्ट कर ले वो सिलेक्ट कर ले, मैं सपोज ऐसे कर रहा हूँ HTML और उसमें एक वैल्यू भी होता है, ठीक है वो वैल्यू का क्या फायदा है मैं आपको बताऊंगा अभी इस तरह से। मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ CSS JS PHP MySQL ओके इस तरह से, ठीक है। सो अभी देखो किस तरह से क्रिएट हुआ है यहाँ पे, इधर पे देखो एक मेन्यू लाइक स्ट्रक्चर हो गया, देखो सिलेक्ट सिलेक्ट बॉक्स ये हमारा हो गया सिलेक्ट बॉक्स, इतना सिंपल है। बट यहाँ पे वैल्यू क्यों देनी है हमें, HTML क्यों देना है यहाँ पे, या फिर कुछ भी वैल्यू हो मल्टीपल, हम लोग जब डेटाबेस से ये रेंडर कराते थे हम लोग यहाँ पे ID देते हैं उसकी, तो ये क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो हमें बैकएंड में ये वैल्यू मिलेगी, हमें ये नहीं मिलेगा, ओके हमें क्या मिलेगा वैल्यू, किसी ने HTML सिलेक्ट किया तो हमें ये HTML वाली वैल्यू मिलेगी, वैल्यू एट्रीब्यूट की जो सामने है ना वैल्यू उसकी वो मिलेगी आपको। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं, लाइक सपोज मैंने देखो अभी यहाँ पे लिखा MySQL इस तरह से, और यहाँ पे आपको नेम देना पड़ेगा नेम, ताकि वो नेम से हम लोग पहचान ले क्या इसमें है। सो मैंने किया यहाँ पे टेक इस तरह से, आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी मल्टीपल यूज कर सकते हैं आप लोग, मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखो यहाँ पे पहले तो मैंने JS सिलेक्ट किया, फॉर्म सबमिट किया, यहाँ पे देखना टेक इक्वल टू JS आया, तो जो मैंने वैल्यू में दिया था ना वो वहां पे आया, ठीक है। अभी मल्टीपल मैं अभी इसको मल्टीपल कर लेता हूँ, मल्टीपल तो मल्टीपल जैसे करता हूँ ना मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक देखो इस तरह से दो मैंने सिलेक्ट किया, सबमिट फॉर्म किया, यहाँ पे देखो HTML टेक इक्वल टू HTML एंड टेक इक्वल टू CSS। सो ये मल्टीपल के लिए भी, ये तो वह सिलेक्ट बॉक्स हमारा सिंपल सा। एक होता है टेक्स्ट एरिया, अगर आपको लंबा मैसेज किसी को भेजना है सो उस तरह से। सो ये देखो नेम टेक्स्ट एरिया मतलब क्या, देखो इस तरह से ये टेक्स्ट एरिया है, इस पर मुझे कुछ मैसेज भेजना है बड़ा इस तरह से, ये टेक्स्ट एरिया है हमारा, ओके। सो उसमें भी नेम यूज करते हैं हम लोग, ये आईडी को छोड़ो अभी इसका ध्यान मत दो। दूसरा है हमारा कॉलम्स एंड रोज, मतलब क्या, ये देखो ये जो है ना इस तरह से कंसिडर कर रहा है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 50 कॉलम तो ये देखो कितना बड़ा हो रहा है, ये इस तरह से बढ़ रहा है, मतलब क्या ये जो है ना ये यहाँ से लेके ये बॉक्स कॉलम के हिसाब से काम कर रहा है, 50 कॉलम लाइक इस तरह से 50 कॉलम्स है इसमें। आप लोग बोलेंगे कॉलम कैसे कंसिडर कर रहा है, तो एक कॉलम में एक वर्ड आएगा तो इस तरह से 50 वर्ड एक लाइन में आएंगे, ओके। अब ये रोज है हमारी, सॉरी ये तो कॉलम की बात हो रही है, अब रोज भी होगी इस तरह से, तो यहाँ पे जो रोज दिए देखो यहाँ पे इसने रोज दिए
रोज 10, तो एक लाइन एक हमारे बॉक्स में ना इस तरह से 10 रोज होंगे, 1 से लेके 10 इस तरह से। तो बेसिकली ये क्या हमारा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब बात करते आगे। सो ये जो है ना टेक्स्ट एरिया और सिलेक्ट बॉक्स आपको समझ में आया, फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अभी हम लोग को। अभी देखो सिलेक्ट बॉक्स में ना हम लोग एक चीज नहीं कर सकते, सिलेक्ट बॉक्स में हम लोग सर्च एंड सिलेक्ट नहीं कर सकते। लाइक आपको JS करना है, CSS करना है, तो आप मतलब सर्च करके सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास एक होती है दूसरी डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट एक होती है, इस सिलेक्ट बॉक्स है ना वैसे डेटा लिस्ट होती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट टैग लेते हैं पहले तो यहाँ पे, ठीक है। वहां पे एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग, सॉरी पहले मैं आपको ये बताऊंगा, सिंपल इनपुट टैग है, बट आपको जब आप लोग टाइप करोगे तो नीचे सजेशन आना चाहिए आपके कि यार आप क्या टाइप कर रहे हैं, कुछ रिलेटेड है तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप ब्राउजर के नाम समझो टाइप कर रहे हैं, तो मैंने ब्राउजर नाम की लिस्ट बनाई। तो लिस्ट एट्रीब्यूट क्या करेंगे, ब्राउजर्स लिखा हम लोगों ने, एंड देन इसी ब्राउजर का यूज करके हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट इस तरह से डेटा लिस्ट बनाया मैंने। डेटा लिस्ट जो है ना हमारी, उसको आईडी एक एट्रीब्यूट है, आईडी, उसको आईडी मतलब हम लोग नाम दे रहे हैं फिलहाल के लिए, समझ लो मैंने इस डेटा लिस्ट को नाम दिया। जब भी मैं इनपुट फील्ड में कुछ टाइप करूंगा तो वो इस डेटा लिस्ट में मैच होता है कि वो चेक करेगा, दिखाता हूँ आपको, आपको सजेशन देगा बेसिकली। देखो ये ऑप्शन जो है ना ऐसे कैसे मैं कॉपी करके इधर पर डाल रहा हूँ, इसमें भी ऑप्शन ही होते हैं बेसिकली। सो देखो अगर किसी ने HTML, मैं यहाँ पे देखता हूँ टेक टेक, डबल नहीं देना नाम, बट अभी मैं दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए बस। यहाँ पे देखो ये जो हमारा है ना, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, देखो मुझे इसने सजेशन दिया होगा, देखो MySQL, PHP, JS, CSS, मैंने HTML सेलेक्ट किया और मैंने HTML कॉमा किया, कॉमा मैंने ये इसमें कैसे रटे नहीं, देखो जैसे मुझे मतलब सर्च एंड सिलेक्ट वाला फीचर है यहाँ पे, देखो मैंने जैसे क्लिक किया मुझे लिस्ट दिख रही है पूरी, MySQL सेलेक्ट किया मैंने, फॉर्म सबमिट किया इस तरीके से। तो डबल नाम नहीं देना आपको, याद रखना डबल नाम नहीं देना आपको, अलग नाम देना है कुछ इस तरीके से, डबल नाम आपको नहीं देना है इस तरह से, ठीक है। चलो बढ़िया, तो ये है डेटा लिस्ट आपकी इस तरीके से। ओके एक होता है एट्रीब्यूट हमारा ऑटो कंप्लीट, जो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली ऑटो कंप्लीट हम वो फॉर्म के ऊपर लगाते हैं। तो ऑटो कंप्लीट क्या करता है, ब्राउजर को प्रेडिक्ट करता है, मतलब ब्राउजर जो है ना हमारा प्रेडिक्ट करता है कि इसमें क्या वैल्यू होगी। सपोज आपका जो ईमेल वाला आपका फील्ड है, तो अगर मैं इसके ऊपर ऑटो कंप्लीट लगा लू ना, ईमेल वाला फील्ड लेता हूँ, यहाँ पे देखना BR टैग लेता हूँ एंड देन इनपुट कोलन ईमेल, तो मैंने इसके हमारे जो फॉन्ट फॉर्म है ना उसके ऊपर जाके लगा लिया ऑटो कंप्लीट इक्वल टू ऑन, ऑटो कंप्लीट ऑन किया मैंने। यहाँ पे देखो क्या होता कि हमारे जो ईमेल है ना, यहाँ पे देखना यहाँ पे मैं क्लिक किया, ये क्या हो वो मतलब बेसिकली क्या करेगा, वो प्रिडिक्ट करता है वैल्यू वहां पे क्या होगी जब हम लोग यूजर टाइप करते हैं ना, लाइक मैंने टाइप किया इस तरह से। तो अभी मेरे पास तो कुछ है नहीं, यहाँ पे मैं टाइप भी कर रहा हूँ, तो एक मिनट फिर भी रुको, इसको मैं फिर से इनिशियल स्टेज में लेके आता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मतलब मेरे अगर फॉर्म में कुछ सेव होगा ना, पहले से मैंने कुछ इस वेबसाइट पे जाके सेव किया है, तो मुझे लाइक कंप्लीट करेगा वो, ऑटो कंप्लीट जो है ना वो हमारा प्रेडिक्ट करेगा वहां पे क्या होता है। तो आपको ऑप्शंस दिखाएगा वो वहां पे आपके अर्लियर वैल्यूज के हिसाब से, लाइक देखो मैंने अभी यहाँ टाइप करके इस तरह सबमिट किया, ओके इसको एड्रेस करता हूँ gmail.com, इस तरह से मैंने सबमिट किया है। सो अभी देखो यहाँ पे मैं जैसे ही गया, एक मिनट फिर से इसको, अभी ये तो हमारा डेटा वगैरह फॉर्म सबमिट नहीं है डेटाबेस पे, चलो फिर भी देखते हैं। तो यहाँ पे अभी प्रिडिक्ट तो नहीं कर रहा आपको ये, बट वो करता है एक्चुअली, ऑटो कम्प्लीट जो है ना वो फीचर इस तरह से काम करता है। ऑटो कम्प्लीट का है वो ऊपर, ऑटो कम्प्लीट ये वाला जो है ना ऑटो कम्प्लीट इक्वल टू ऑन। तो मैं आपको बताऊंगा किसी किसी वेबसाइट में क्या होता है, तो हम लोग फॉर्म में गए ना तो आपको सजेस्ट करता है कि ये डेटा आपने पहले फिल किया ये फॉर्म को इस तरह से। अभी ये मुझे लगता है कि ये फॉर्म जो है ना हमारा इस सेव वगैरह नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे कुछ हो रहा है, वरना ये फिर इस सजेशन देता मतलब ऑटो कम्प्लीटली कर लेता हूँ। चलो तो ये थे हमारे एट्रीब्यूट, तो हम लोगों ने काफी सारे एट्रीब्यूट पढ़े आज HTML के जो काम के हमारे हमको आगे। ओके क्या हुआ, चेंज कैसे हो रहा है, या मैंने बताया था ना वो इमेज क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वो जो हम लोगों ने URL यूज की वहां पे वो क्या हो रही है, वो URL क्या करती है, वो pixum.photos की है, तो वो रैंडमली फोटोज हमको देगा हर रिफ्रेश के ऊपर, वो अलग अलग फोटोज हमको मिलेंगे सेम साइज के, ठीक है। तो वो मोस्टली वही यूज करता हूँ मैं,
डेमो डेवलपमेंट के लिए या फिर कुछ समझाने के लिए या फिर ऐसे पर्टिकुलर साइज के लिए इमेज हम लोग वहां से आसानी से ले सकते हैं। तो रैंडम है वो, रैंडम इमेज हमको देगा वो, जैसे जैसे मैं उसको देखो इस तरह से मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा ना यहाँ पे, तो वो अलग अलग इमेज देते रहेगा मुझे। तो ये था हमारा क्या है बेसिकली HTML के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ, हमारा अभी क्या क्या बाकी है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके बताता हूँ। हमारे क्या क्या पॉइंट्स बाकी है, ये तो बस सिंपली फॉर्म के बारे में था। आप इसको गौर से मतलब सेशंस को ध्यान से देखना, दो बार देखना, तीन बार देखना, बट इन चीजों को समझ लेना जो भी मैंने रिपीट किया यहाँ पे, मतलब बताइए आपको। सो हमारा क्या क्या बाकी है, हमारा बाकी है अभी आई फ्रेम्स हमको करना है वो। आई फ्रेम्स क्या होता है, आई फ्रेम्स उसमें काफी कुछ है, मैप कैसे एम्बेड करना है आपको हमारे वेबसाइट में, और वीडियोस कैसे यूट्यूब का लगाना है, या फिर हमें 360 इमेज कैसी लगानी है वो देखना है, और हम लोग को क्या करना है, और बाकी तो आई थिंक हम लोगों ने लगभग लगभग HTML जो है ना हमारा काफी कुछ कम्प्लीट किया है HTML का। आज जो नए आए ना उन लोग क्या करना, वो पिछले जो सेशन थे यूट्यूब पे वो देख लेना पहले, तो फिर बाद में अभी हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे आई फ्रेम्स, और दो तीन जो कॉन्सेप्ट होने के बाद में HTML के जो कॉन्सेप्ट है वो होंगे, फिर उसके बाद में हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे मोस्टली। कल का लास्ट रहेगा HTML का आई थिंक, हाँ HTML का आई थिंक कल का लास्ट रहेगा आई फ्रेम, एंड उसके बाद में हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे, फिर वापस HTML 5 पे आएंगे, जब CSS पढ़ के होगी हमारी HTML 5 के ऊपर आएंगे, वहाँ पे कुछ नए टैग्स हैं उनको देखना है आपको। बट CSS में क्यों, मैं वो रीजन आपको HTML 5 सिखाते हुए बताऊंगा क्यों मैंने आपको CSS पढ़ाई पहले, ज्यादा नहीं बेसिक CSS आपको बताऊंगा मैं पहले। तो कुछ इस तरह से हम लोग को चलना है आगे, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, रुको एक मिनट मैं पहले बंद कर लेता हूँ ये।